सवेरे आए होने दुकान पर दिखन लगे होने तो अगे ताले तोड़े मंदिर मत्था टेकन लगे होने जिया दिखन लगे तो ला करे दे नहीं दुकान पर चोरी भी हुई कोई कैश मिला किन्ने पैसे गए बेटा नहीं है बैंक बुंक सारा जमा करा पैसे सुबह दुकान गर्सर दुकान पे आया मत्था टेका आके लाख 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 है ही नहीं खोलने गया मैं हार रह गया ये क्या हुआ बस बोती मुंह से बात निकल बात भी निकली मेरे मुंह से ये क्या हो गया 10 मिनट देखता रहा मैं लड़कों के मैं आगे पीछे मैं क्या हुआ माँ इधर लाख ही कोई नहीं है फिर कुछ मेरे आस पास के दुकानदार आए देखा उन्होंने कहा कि इसको हाथ मत लगाना आगे अंदर दुकान देखा तो मतलब के सामान सारा जो गले में कैश था लाख था वो सब तोड़ के लेके आए पुलिस आई मौके पे हाँ पुलिस आई है अभी कोई वेरिफिकेशन की है अभी वो अपना फाइल लिख रहे हैं क्या कहेंगे जिस तरह शहर में चोरी हो रही है आपकी दुकान पे भी है क्या कहेंगे पुलिस देखो बात ऐसी है कि अब जो मंगना कांड होना है हो गया है लेकिन फिर भी हम पुलिस वाले को एसपी साहब को यही रिक्वेस्ट करेंगे कि देखो इतना नुकसान है एक दुकानदार सुबह बैठता रात को उठता है एक 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 रुपया दो दो रुपया कमा के बर रखता है और दूसरी बात है कि कहाँ से लाएगा पैसा मैंने जो कैश रखा था मैंने बैंक के जाऊँगा कि मेरी मिसी की मामी की डेथ हो गई वो चले गए आज संडे था तो जितने पैसे यहाँ पड़े थे सब के सब ले गए एक पैसा भी नहीं गले में रहा और दुकानदार क्या कर सकता है दुकान तो एक हफाइज है उसकी तो स्कूटी कोई नहीं है उसकी कोई स्कूटी नहीं है दुकानदार को हार्ट अटैक क्यों होता है क्योंकि उसकी टेंशनें बहुत होती हैं और ऊपर ये टेंशन बढ़ जाती वो तो खत्म हो जाता है आगे भी कोई वो डिफॉल्टर हो जाता है आगे बेटा बूटा वो डिफॉल्टर होना होना है क्योंकि वो अगर उसके पास कुछ रहेगा नहीं तो वो डिफॉल्टर होगा और हर एक बंदा उसको तंग करेगा जैसे एक पहले भी हमारे बाजार में चोरी हुई कब तब भी कुछ ने कोई कुछ ने किया आज मेरी हुई है क्या होगा तो टूट गए क्या होगा कुछ नहीं होगा एक दो बार मना दो दिन बरोड़ा रहेगा उसके बाद वही वही हाल होगा वही मार्केट का हाल होगा हम तो चाहते हैं कि इतनी पुलिस होने के बावजूद ये इतना बड़ा बाजार है खाली है सिक्योरिटी लगानी चाहिए गार्ड लगाने चाहिए किसी को डर हो कि बाजार में पुलिस पहरा है ही कुछ नहीं खाली है 8:30 बजे देखो बाजार में कोई नहीं होता क्या है नथिंग कुछ नहीं है ये हमारा जो होना सो हो गया कोई गया हो बाल बापसा पैसे वापस आते हैं या कोई खर्चा वापस आता है उल्टी इंसान दुकानदार को परेशानी होती है टेंशन होती है और कुछ नहीं होगा क्या होगा आज नहीं तो कल जाओ तो दुकानदार मर जाएगा
या उसको हार्ट अटैक हो जाएगा और फिर सब कुछ ऐसे ही चलता रहेगा, क्या होगा ये तो हमारी सरकार सोचेगी। परसों चोरी हुई है यकीन सर दो अज भी देखे सवेरे आए तो जंदरे सारे टुटे हे और कैश चली दा तुम बस चोरें कोई नकेल नहीं करता। मैं गल पूछना चाहना रोज तीन दिखे करते चोरियां करते फिर चोर कहीं फड़ोए करते हूँ अं थाने गए अं नशे आए दौरा पौधा जो दौरा पौधा ठोको मैडिकल स्टोर के ड्रग्स आए कोई ऐसा जो सेंटर बना उस भेजन जरा जिन्ना भी नशा तस्करी जो मुड़े चोरियां करते चुकन और नशे थोड़ा नकेल कसो भी नहीं तो कि चोरियां बंद होनी आए दिन तुम देखे कि मैं कुछ दुकानदार कुछ महसूस है बेचारा तुम देखे करते उधर बंदे की मार उधर चोरें की डबल डबल मार बचे करती है। मैं इो बोलगा पुलिस एस एस पी साहब की भला नकेल कसी जाए कार्रवाई क्यों होती है बस हम आए तो कार्रवाई करिए तो कोई कार्रवाई नहीं होनी है। मैं चाहना कोई एक बंद की कोई पहले गश्त होंगी पैमें दिन च रटीन च रात दो तीन चार बार गश्त होए तो कोई चोरी का कोई मसला नहीं बनता है। मैं चाहना एक मैसेज देना चाहना देखो तुम देखिए आए दिन दहाड़े चोरियां ही करदियां पहले दिन रात दिन दहाड़े चोरियां ही करदियां कोई चोरें पर कोई नकेल नहीं है। मैं आखना तुम्हें पता भी है चोर केड़े ने सब कुछ पता इन्हें चोर कुत्थों फड़ने केड़े फड़ाने हैं केड़े बंदे ने मते चोर दिन शहर उइयो 20-30-25 नूं उह मीका शरियां बोले करदे हे अदे शरियां चोरियां करने आ साडा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकदा। दो दिन रखदे उन्हें त्रै दिन रखदे ते बस ड्रामाबाजी हुंदी बस ऐ जी दौरे पौंदे जां फलान हुंदा अगर इन्हें चोरें ने नकेल कसी जाए बगैर अगर कानून सख्त होए तो चोरियां कदी हुंदियां कदी नहीं हुंदियां फॉरन कंट्री कहीं चोरियां हुंदियां साडे हिंदुस्तान क्या सारे कुछ करप्ट है अगर चोरियां ताई बंद हो सकती जिन तक सख्ती नहीं की जाए। मैं कहना एक्शन होना चाहिए कड़ा एक्शन होना चाहिए चोर उपर भी कोई सजा होनी चाहिए थोड़ी माल बरामद नहीं होता छड़ी दिता सारा कोई पता होता अजकल देखो कैमरे लगे कैमरे के लगते उधर मास्क पता होता उधर एनक पाई होती चोर ने तो उधर लपेटे होता उन्हें क्या पता लगता अखा अखा दिखी थोड़ी चोर लगता भला चोर केड़ा मैं कहना चोर तुम्हें पता है केड़ा सब कुछ पता है फिंगरप्रिंट होंगे सब कुछ होता कुछ नहीं होता सिर्फ दुकानदार आया देखो सारे आए जिस बंदे की चोरी हुई उसी पता उसी है वो बेचारा अद्धा घंटा उसी पता नहीं लगे बेचारे के बोलना के नहीं क्या उसी पता एक करने दो त्रै त्रै रुपये कमाई करिए तो कि पैसे रखे दे हूँ चलो बंदे तो कहीं आते भला कैं रखे कैं नहीं रखे यार जिसे कोई बंद की माड़ी घटी आती कोई पता थोड़ी होता मैं कैं रखने वो भी बंद ने रखे होने शनिवार चल बैंक बंद होना चल सोमवार जमा करागा। मैं चाहना अपने दुकानदारे भाएं भी अपील करगा अगर अं दुकानदार अपनी मजबूती नहीं बनागे मैं देने बढ़ते हटता पहले भी आखना अं एक अपना 200-200 रुपये हर बंदा कटिए कोई माड़े बंदे दुकानदार होए चोरी होए कोई माड़ा है भाई चंगा है चोरी चोरी होती है विश्वास उठी था पुलिस की सुरक्षा को उठी था मारे उठी तीन दिखा तो है जिते अटरी मोड़ दी दिखे उत्तर तारा लाई होनी 8 बजे बाद जिथे कोई जरूरत नहीं जिथे जरूरत है पुलिस की उत्तर पुलिस लभदी नहीं तीन दिखा मैं दसी डो अहें मोटरसाइकिल चक्कर लाए मैं एक बंदा दसी डो मेरे कन्ने तुम दिखे कौन मोटरसाइकिल चक्कर लाते कहीं दसी डो बोलो कहीं बोलने हूँ दिखा तुम कौन तो बोलो कहीं बोलने नहीं दिखे कौन सानू कोई नहीं लभ्या मोटरसाइकिल चक्कर लाने जियां पहले गश्त होंदी सी आर पी एफ आंदी सी पुलिस वाले गश्त करदे चोरें भी थोड़ा इयां हुंदा हा भाई पुलिस चक्कर लांदी है कि लगदा तुहानू आपू पैरा लाने पौ पैरा लाने पौना मारे की करना पैरा लाने पौना इंदे कोल अग्गे आखदे 150 बंदे ने मते बंदे ते है नहीं इंदे कोल ताकि ओह सिक्योरिटीआं दे दित्ती दियां जिसी नहीं भी सिक्योरिटी चाहिए उसी भी सिक्योरिटी दे दित्ती दी। मैं आखना थोड़ा गौर किया जाए बजारियां लई आम जनता महसूस बेचारी ए तो इयां त्राही दी रोंदी है राती बंद करी जांदी इहदे नाल नींदरां नहीं पौंदियां बेचारे कई सवेरे की होना तुम देखा अरे परसों चोरी हुई 4-5 दिन पहले पिछले हार लई है। मैं तुम्हें पहले भी बार बार बोलना जिन्नी बारी चोरी हुई भी यार सानू कोई बरामदी नहीं हुई मैं दस्सी ओड़ियो कोई थाने दे विच कोई रिकॉर्ड कोई बरामदी हुई कोई 10-12 चोरियां लगातार बजार हुई एक रिकॉर्ड दसी देन मिगी सामने दुकान है 70,000 रुपया चोरी है कुछ रुपया भी मिले मैं पूछना चाहना मैं एक रिकॉर्ड दसी उन्हें बजार कोई चोरी हुई कोई समान मिले मेरे ही मोहल्ले में चोरियां कोई ये पहली चोरी नहीं है तो मैं तो यही कहता हूँ एक तो जितने भी बाजार के जितने भी यंग तबका जितने भी साथी हैं एक तो यहाँ पहले होते थे चौकीदार एक एक आदमी की कोई भी सिक्योरिटी नहीं कर सकता मैन टू मैन नहीं हो सकता। दूसरा इन लोगों ने भी ये सोचना चाहिए सब दुकानदारों ने कम से कम दो चौकीदार आजकल एक एक घर के अंदर एक एक कोठी के अंदर लोगों ने चौकीदार रखे हैं डबल शिफ्ट में तो ये तो पूरा व्यापार मंडल है जहाँ से करोड़ों रुपये की रोज सेल होती है करोड़ों रुपये आते हैं जाते हैं तो इसमें इन्होंने भी खुद चौकीदार रखना चाहिए कम से कम यही लोग कह रहे हैं अभी दुकानदार तो कोई 20 रुपये भी नहीं रहता कोई 50 रुपये रहता है वो जमाना ख़त्म हो गया 20-50 वाला कम से कम 100-200 रुपया पर दुकानदार उन चौकीदारों को दे ताकि 8-10 हज़ार रुपया उन जिसने नाइट ड्यूटी देनी है उसका बने वो तभी काम करेगा। रूटीन में तो आज 400-500 रुपये दिहाड़ी नॉर्मल है 500 रुपये दिहाड़ी तो एक तो वो रखना चाहिए चौकीदार कम से कम दो पूरे बाजार में जहाँ आर के गिफ्ट सेंटर से लेकर यहाँ मेन मुखर्जी चौक तक और साइड में लिंक में दो चौकीदार हों तो घूमते रहें तो
दुकानदारों को अल्ले मिल कल भी सर तीन चोरी हुई है, पुलिस प्रशासन को क्या आप चोरी कहते हो? मेरी अपनी खुद चोरी हुई है, इन लोगों को नहीं पता है। मेरी आज भी चोरी हुई मेरी फैक्ट्री में, अगले कल भी हुई, और वहां से भी पुलिस चौकी तकरीबन 300-400 फुट, 3 मोटरें मेरी खुल गई फैक्ट्री से, और उसके बाद 3-4 दिन पहले भी एक मोटर खुल गई वो रावी के किनारे वहाँ। ये जो युवा ये भड़के हुए जो हैं, जो नशा करते हैं, वो दिन को सारा दिन घूमते रहते हैं, वे कहाँ दाल लग जाए हमारा, तो हमारा नशे का काम पूरा। एक तो वो नशे के ऊपर भी पूरा ध्यान देना चाहिए। जिन जिन मोहल्लों में, मैं आपके माध्यम से लोगों को कहता हूँ, डरना नहीं है, जिन जिन मोहल्लों में जो जो लोग ऐसा काम करते हैं वो पुलिस को डायरेक्ट बताएं, पुलिस कंट्रोल रूम में बताएं, कहीं भी बताएं, लेकिन पुलिस को भी सक्रिय इसमें होना चाहिए। चाहे एक आदमी दो आदमी रात में, जहाँ ये जो एरिया टाउन का शहर का चौराहे में भी पुलिस से पहले होती थी, आजकल ये नाके रात को ख़त्म हुए हैं। इसी चौक मुखर्जी चौक में रात को 1 बजे 2 बजे 3 बजे 3 बजे जाओ तो कोई मतलब नहीं। तो ये जहाँ चौराहे हैं, चाहे गिराई चौक है, चाहे पार्लियामेंट बस स्टैंड है, चाहे ये मुखर्जी चौक है, चाहे नगरी है, जहाँ एक एक दो दो आदमी नाइट को होना चाहिए ये जो रास्ते हैं, और कहीं लिंक हो जहाँ, वहाँ भी ना लोगों ने पहना, कहीं कोई पैरा होना चाहिए लोगों का। तो मैं आपके माध्यम से यही कहता हूँ कि पुलिस को एक को इनके ऊपर, चोर तो आपके पास लिस्टें हैं, हो सकता है नए भी हो, और जिस दुकान के अंदर कैश पड़ा उसी दुकान को चोरी होना हो सकता, इतना तो कोई पेटी आदमी हो, कोई जिन्हें पता है वे कैश इतना पेदा, बाकी इन दुकान पर्टिकल इस दुकान की सामने और 50 फुट 20 फुट पर है, पहले भी चोरी हुई। इस करिए मैं एडमिनिस्ट्रेशन, मैं SHO साहब ने गल करना, और SSP साहब ने भी गल करी है कि राती दी जिहड़ी गश्त है वो वधाई आ, ते उहदे पर फिर बाकी करने गल। उहने सर क्या देखते हैं प्राइवेट स्कूटी को नुकसान होई है बेचारा, ठीक है नहीं? सर क्या देखते हैं प्राइवेट स्कूटी को बढ़ावा दिया जाए, कठुआ पुलिस से भरोसा ना करें? प्राइवेट भी ज्यादा ध्यान देना चाहिए, आबादी बढ़ रही है, दुनिया बढ़ रही है, एरिया बढ़ रहा है। ये कठुआ पहले छोटा सा होता था, 9 वार्ड 13 वार्ड 17 वार्ड, अब 21 वार्ड, अब चंडगढ़ की तरफ है एक सहारखंड है, मकरखंड है, ये जराई की तरफ चले जाओ तो शहर भी बहुत बड़ा हो गया है, आबादी भी बड़ी हो गई है। तो जो आबादी बढ़ने से जो युवा कोई नशे की ओर जा रहे हैं तो वो यही काम करते हैं, रात को चोरियाँ करते हैं। जी आपको पता है पंडित शेर सिंह के या एक दो लड़के थे, तो वो तो दिन को दुकानदार उठ के मुँह फेरा नहीं तो वहाँ से पैसे निकाल के ले जाते हैं। तो ऐसे लोग नशे जब करते हैं तो उनको पता होता है, चाहे सिलेंडर उठा के ले जाते हैं, चाहे कुछ लेके चले जाते हैं, इनके ऊपर थोड़ा